हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कपास खेती, जिसमें 40 दिन से पानी नहीं आया था बारिश का। कपास उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, और कपास दोपहर जब धूप निकलती थी तो बिल्कुल पत्ते झुक जाते थे, मुरझा जाते थे। लेकिन आज रात को पानी गिर गया तो कपास कुछ अलग ही दिख रहा है, चमक कपास की, और साथ ही क्वालिटी फूल बहुत ही शानदार दिख रहा है। प्लाट बारिश का पानी लगने से किसानों के चेहरों पे खुशी भी, साथ फसलों के चेहरों पे भी खुशी आ गई। आप देख सकते हो कपास की क्वालिटी बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। प्लाट अभी फल फूली अच्छे लगे हुए हैं और झेंडे भी अच्छे बन गए हैं कपास के। कहीं कहीं कपास के पौधे सूखने से कपास फूटने की प्रक्रिया भी चालू है। देख सकते हो लागत नीचे से, पौधे प्रत्येक पौधे में बहुत ही शानदार फल लगे हैं। हवा भी तेज हवा आने से पौधे भी झुक गए बहुत सारे, देख सकते हो। और इसकी जो मेन रूट है उसको तोड़ने से आप देख सकते हो फायदा इसका है। साइड से रूट जो निकली है उस पे भी पुड़िया, और आप देख सकते हो बहुत ही किसान भाइयों, रूट तोड़ने से एक फायदा होता है कि जो साइड के रूट जो चलती है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, इस पे पूड़िया और झेंडे बहुत ही शानदार। इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट है और इसमें फल भी बहुत ही शानदार लगा है। एक एक हेक्टेयर का प्लाट है जिसमें सभी की मेन रूट तोड़ दी गई है। अगर मेन रूट नहीं तोड़ते तो इसकी हाइट लगभग 7 से 8 फीट के समथिंग चली जाती है, और नीचे फल कुछ भी नहीं लगता। इसलिए इसकी मेन रूट को तोड़ना ज़रूरी था। देख सकते हो आप किसान भाई, इसमें 3 स्प्रे किए हैं। पहला किया है मोनो लांसर गोल्ड, और दूसरा स्प्रे किया है इसमें 13045 1 किलो, साथ ही मोनो लिया है और कॉम्पिडोर, सुपर कॉम्पिडोर जो आती है बायर कंपनी की, आप धानु का कोई सी भी ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे, उचित लगे। और तीसरा स्प्रे, इसपे थोड़ी इसपे महुआ दिख रहा था, सफ़ेद मच्छर, तो इस पर रिजेंट और इल्ली कीटनाशक के लिए पॉलीट्रिन लिए, और 0050 पोटास की मात्रा, थोड़ी पत्ते लाल हो रहे थे इसके लिए 0050। अब देख सकते हो बहुत ही शानदार प्लाट है। अभी अभी बारिश की मेहरबानी रहना चाहिए, नहीं तो नीचे नीचे झंडे पूरे सड़ने लगेंगे अगर पानी ज़्यादा गिर गया तो, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा काली और हेवी जमीन है। इसमें एक खाद भी बिल्कुल कम दिया है, इसमें 1 हेक्टेयर की 2 बोरी DAP, 2 बोरी सुपर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसमें लगभग लगभग 40 से 50 किलो यूरिया दिया है, मतलब 1 हेक्टेयर में, मतलब 1 बीघे के हिसाब से 15 किलो बस। एक डोस ही दिया है, मतलब बेसल डोस है एक डोस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो 3 स्प्रे किए हैं, बिल्कुल कम खर्चा किया है किसान भाई। और अभी नीचे नीचे के पत्ते थोड़े लाल पीले हो रहे हैं। आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि इसकी लगान क्या दूरी है, इसकी सारी चीज़ें। और अब ये दूसरा वीडियो जो इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ, और अब जो तीसरा वीडियो बनाऊंगा इसको उत्पादन
क्या रहा कम खर्चे में, और उत्पादन लागत, दवाई का खर्च, सारी चीज़ें आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो ये देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। किसान भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप ऐसे ही सरल तरीके से खेती कीजिए, कम खर्च कीजिए, तभी आपको बचेगा। और जैविक खेती की ओर आइए, कम से कम रासायनिक चीज़ें डालिए, ताकि आपकी ज़मीन भी बचेगी और आपका खर्चा भी कम होगा। नहीं तो ज़मीन बंजर होती चली जाएगी और आपका खर्चा बढ़ेगा। तो आप चैनल पे देख सकते हो, जैविक खेती के वीडियो भी डाले हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।